जो यहाँ बोलूंगा वही ग्राम में बोलूंगा, जो गांव में बोलूंगा वो यही बोलूंगा। हमारी हमारी खून में सेवा करना है। हमने काम किया है। हुड्डा साहब जब सीएम थे तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने हुड्डा साहब की कलम से 800 करोड़ से ज्यादा के उस समय, आज तो वैल्यू बढ़ गई। आज वो काम 4-4 गुना ज्यादा हो रहे। आज लगाओगे तो 3000 करोड़ में काम मिलते। 800 करोड़ रुपए में बड़कल के काम कराए थे, जिसमें 21 फीट अंडरपास भी था। बड़कल के डबल हुड्डा साहब करके गए। सब सौगातें इन्हीं के हाथ की है और आगे भी यही करेंगे। टाउन का पहला मेयर भी आपने दिया था और पंजाबी मेयर, और आज भी आपकी तरफ ही टाउन देख रहा है। एक और चीज मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा। सरकार की योजनाएं सब है, सब आपको बताएंगे। सीएम साहब जब ये शहर बसा तो 35,000 आबादी थी, 35,000। आज कई लाख है, 4-5 लाख लोग रहते हैं गाँव में। तो लाल दौरे में जमीन भी है, घर भी है, और लाल दौरे के बाद सबके प्लॉट भी है, जमीनें हैं। 2 किले, 4 किले, 5 किले आपस में पड़ जाते हैं। यहाँ क्या बैठेगा? 235 गज का प्लॉट यही है ना। 4 जगह 5 जगह 6 जगह बट गया, आगे पीछे ऊपर नीचे करके बांटा, फ्लैट सिस्टम कर लिया, और क्या करे। तो यहाँ पर जो नियम है वो आज इस बीजेपी सरकार ने हुड्डा वाले लगा दिए। हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस हुड्डा वाले नियम को ये हुड्डा साहब काट सकते हैं। ये सारे शहर का यकीन है। इसको भी जैसे गाँव में लाल दौरे के नियम होते हैं, ऐसे ही जो शहर हमारे बसाए गए हरियाणा में, आप तो जानते हैं रोहतक में भी है, उनको लाल दौरे की तर्ज पर ट्रीट किया जाए। अगर वो फालतू कंस्ट्रक्ट करें तो रोका जाए, तो नहीं किया जाए, लेकिन जितना है उसमें ये नियम उनको लागू नहीं होने चाहिए। 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री कराने की रिश्वत ली जा रही है कि लोगों से 1.5 लाख रुपए, ये हालात आज कल के। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप उस पर भी जरूर गौर कीजिएगा। मैं पुनः आपका इस महान भूमि पे, कर्म योगियों की भूमि पे, इस महान बड़कल की भूमि पे स्वागत करता हूँ। और आप सब लोग जो यहाँ पर पधारे हैं, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका धन्यवाद है। और 5 तारीख को आपसे रिक्वेस्ट है, 5 तारीख को वोट करने हैं। मशीन का नंबर भी 5वां है और निशान भी बढ़िया है, तो इस पंचे को आपके पार कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुणे आदरणीय सभी सम्मानित मंचों का, मंच पर बैठे हुए महानुभावों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। क्षमा भी चाहता हूँ, अगर सबका नाम नहीं ले पाया तो मुझे क्षमा भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।